दोस्तों यहाँ से जो है गेट की एंट्री है और वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं अभी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है खाने के लिए जो है तैयारी की जा रही है अभी अभी 11 बज रहे हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट बॉय केविन। दोस्तों अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना यूके अलग, सॉरी बेस्ट बॉय केविन, जो भी कर सकते हो कर लेना, दोनों नाम सेम है। तो वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ बेसिकली किसी को छोड़ने जाना है मेरे को, यानी कि एक मेरा दोस्त है रिंकू भाई, जो कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम करते हैं शादियों में। और जो अभी मैं जा रहा हूँ वहीं इनको पहुँचाने के लिए, यानी कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर है, तो वहाँ पहुँचाऊँगा और थोड़ा बहुत वहाँ का माहौल भी दिखाऊँगा कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है शादी का माहौल। तो वीडियो इसे स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले होटल में देखते हैं। तो अभी यहाँ पे चाउमीन बन रही है और इसमें जो है चावल बन रहा है। तो अभी हम देखते हैं आगे क्या क्या बना है आज। यहाँ पे दाल बन के रेडी हो चुकी है, देख सकते हो काहे की दाल है, चने अरहर मलका लोबिया मिक्स दाल है। तो दोस्तों अभी मैं जा रखा हूँ वैसे ही घूमने के लिए। तो अभी मैं रिंकू भाई को बताने जा रहा हूँ। तो अभी देख सकते हो रास्ते का व्यू काफ़ी तगड़ा है। तो अभी चलते हैं हम रास्ते के मज़े लेते हुए। और तो क्या ही है, तेल बचाओ अभियान चल रहा है फुल तरीके से, यानी कि न्यूटन जितना है उतना चलता जा रहा है। और स्टार्ट में फिर जानती हो तेल बचाने का तरीका। तो अभी चलते हैं और वहीं जाके मिलते हैं। सो हे गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं यहां पे शादी में और देख सकते हो पीछे भी काम चल रहा है। तो जस्ट अभी पहुंचा मैं, अभी दिन के 11 बज रहे हैं और जो यहां पे अभी खाने का वो कर रहे हैं अभी तैयारी। शादी कल है, आज जो भी प्रोग्राम होंगे वो आपको पूरे दिखाऊंगा, यानी कि जो जो होते हैं। तो अभी यहाँ पे टेंट बिछाया है, आगे से कैमरे से दिखाता हूँ आज की वीडियो। दोस्तों यहाँ से जो है गेट की एंट्री है और वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं अभी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है खाने के लिए जो है तैयारी की जा रही है अभी अभी 11 बज रहे हैं, यानी कि 11 से कम हो रहा होगा टाइम। तो यहाँ पे अभी खाना बनने की तैयारी हो रही है। और जो ये देख सकते हो सब भटाले हटाले, यानी कि जितने भी बर्तन हैं देख सकते हो कितनी क्वांटिटी में जो है आपका ये बन रहा है। ये चावल समथिंग कुछ भी नहीं, 30-40 किलो से किलो होगा। और जो है यहाँ पे अभी खाना बन रहा है, वहाँ पे जो है वो काट के रख दिया गया है। और सबसे मेन दिक्कत यहाँ पानी की है, पानी जो है टंकी से मंगाया गया है। और तो दोस्तों यहाँ पे टमाटर काटे जा रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि शादियों में जानते ही हो आप। तो अभी आगे देखिए लोग, तो कुछ ये सीन चल रहा है। तो दोस्तों जो रात को प्रोग्राम होगा डांसिंग का, यानी कि अभी थोड़ी देर बाद जो होगा यहाँ पे ही होगा, जस्ट यहाँ पे जो है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, मेन चीज़ यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे पानी बहुत कम होता है। दोस्तों देख सकते हो हमें पानी के लिए जो है टैंक मंगाया गया है और टैंक इसके सारे जो है पानी यहाँ पे जा रहा है क्योंकि यहाँ पानी की प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। और नीचे देख सकते हो जंगल। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे खाना बनने के लिए तैयार हो रहा है। और खाना बनाने के लिए एक अलग से पंडित जी होते हैं जो खुद अपने हाथों से यहाँ पे खाना बनाते हैं। और कहा जाता है कि जो पंडित जी के हाथ का खाना होता है वो बहुत टेस्टी होता है, यानी कि आप कभी भी शादी में खाओगे खाना तो हमेशा टेस्टी बनता है। तो एक कहावत है, या मतलब जो भी है संयोग है, तो कुछ ये सीन है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ अलगड़ा पे, अलगड़ा बोले तो पिथौरागढ़ से आगे का हो गया, बुंगाचिना पहुँचोगे तो बुंगाचिना के अंदर से रोड कटती है अलगड़ा के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे बीच रास्ते पे हूँ, तो काफ़ी अच्छा जंगल है इधर का भी, जंगल तो क्या ठीक ही है, देख सकते हो चारों तरफ का व्यू। तो अभी चल रहे हैं आगे को और अभी हमें यहाँ पे पंडा गांव पे, ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा है पंडा गांव। तो यानी कि आज की वीडियो का ये थंबनेल रहेगा। तो यहाँ पे एक देखते हैं कैसी आ रही फोटो, मेरे ख्याल से सही आएगी, तो एक फ़ोटो खींच लेते हैं। तो दोस्तों नीचे देख सकते हो यहाँ से काफ़ी तगड़ा व्यू। तो अभी आगे को बढ़ते हैं और सूर्यदेव देख सकते हैं इसे सर पे हैं, यानी कि दिन के 1 बज रहे हैं। कभी भी इस हिसाब से आपको वीडियो में लगे तो समझ लो ना, समझ लेना। तो दोस्तों कभी आप पहाड़ों में घूमने के लिए आओ या कभी भी आओ तो ऐसी जगह में आप कैंपिंग कर सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक जगह जो कि काफ़ी तगड़ी है। वैसे मैं बाइक भी डाल सकता था तो मैंने बाइक डाली नहीं क्योंकि धूप लग रही है बहुत तेज। और नीचे देख सकते हो सारे सल्ले के पेड़। तो ये बाइक तो मेरी यहाँ से भी काफ़ी दूर तक चली जाती है अगर मैं डालना चाहता तो आप यहाँ कैंपिंग भी कर सकते हो, कैंपिंग समझ ही रहे होंगे आप। तो काफ़ी लंबा है मतलब ना, यहाँ से भी आगे चली जाएगी बाइक, यानी कि यहाँ से भी अंदर चली जाएगी बाइक आराम से, बहुत आराम से नहीं जा पाएगी, जहाँ तक ख्याल है नहीं जा पाएगी क्योंकि यहाँ से नीचे पूरा हुआ है। तो आगे तक देख सकते हो काफ़ी तगड़ा व्यू है। मोबाइल को भी नहीं देता हूँ, मोबाइल को भी मोबाइल को भी, और ये काम भी कम ही रहता है। क्यों? नंबर तो पता चलता नहीं रात मेरे को, रात भर को नंबर पता चला किसी का, कितना ही देख लिया आपसे, कितना ही देख लो बड़ी पर।
अक्सर नहीं दिखते हैं बुल्ले, जब आप लिखते हो तो अक्सर दिखते हैं। मेरे को खुद ही नहीं दिखता है। चश्मा लगाना है वो थोड़ी, जब आप अक्सर लिखते हो ना कुछ किताबों में तब भी नहीं दिखता होगा, फिर तो अब नहीं दिखता है। लिखा हुआ भी नहीं दिखता आपको, अपना अपना लिखा हुआ भी नहीं। वैसे पढ़ लेते होंगे मतलब, वैसे अनुमान से पढ़ते होंगे। अनुमान से चल रहा हूँ पूरी, अब अनुमान से चलने आगे। पाँच सौ के कितने नोट आपको बताए नकली नोट पाए गए, 7-8%? क्यों नहीं होंगे नकली, हर चीज में आर्टिफिशियल है। कितने आर्टिफिशियल? नकली नोट बनाने आराम आज का नोट। 550-100 के नकली नोटों में आपके पास भी तो आया होगा अभी तक कई बार जाली नोट, आपके पास भी आया होगा कई बार जाली नोट। पता नहीं मैं देखा तो नहीं यार, वो देख गया एक नोट गया हूँ, इसमें आता है, इसमें आता है वो गिफ्ट में आता है, नकली खाली नहीं आते वो नोट जैसे बने हुए। वो तो अब नकली होते हैं पूरी तरह। दोस्तों अभी शाम के 4 बज रखे हैं, सब एक है यार, मुस्लिम हिंदू जेल में आपकी भक्ति थोड़ दिया। तो ये देख सकते हो चौमिन में थोड़ा बहुत तेल भी बढ़ता है ताकि थोड़ा बहुत गीला हो जाए, ऊपर से पानी भी बढ़ता है। तो अब इसको मिक्स किया जाएगा। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, और हल्दी भी बढ़ती है चौमिन में। दोस्तों यहाँ पे मैं जो है प्याज काट रहा था, और यहाँ पे एक सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, यहाँ पे दूर दूर जाओ। दोस्तों मैं मिक्स करके इसलिए बना रहा हूँ तो क्योंकि आप बोर ना हो जाओ, ठीक है। दोस्तों अभी मैं बुंगा चिना से आगे पहुँच गया हूँ, यानी कि सील के करीब, यहाँ से सील 1 किलोमीटर है, 1 या 2 किलोमीटर होगी। तो आगे वो चलते हैं अभी और देख ही सकते हो। लेकिन कभी कभी पहाड़ों पे जो है मुर्गियाँ भी मिल जाती है, यानी कि पहाड़ी जंगली मुर्गियाँ, वो भी शाम के टाइम पे आती है। मुर्गियाँ भी बहुत चालाक होती है, जो जंगली मुर्गियाँ होती है ना भाई पहाड़ की, ठीक मतलब शाम के 5-5:30 बजे बाहर निकलती है, जब अंधेरा होने वाला है होता है, मतलब जब अंधेरा होने वाला होता है बहुत कम गाड़ियाँ चलती है उस टाइम भी निकलती है वो। तो रोड के किनारे पर आई रहती, काफ़ी दिन दिख गए मेरे को, लेकिन उस टाइम पर संयोग से बता नहीं मेरा कैमरा ऑफ रहता है, बाई चांस इसी जगह पे मिलते हैं सबसे ज़्यादा मेरे को। तो अभी तो कहाँ मिलते हैं, अभी दिन के 2-3 बज गए होंगे शायद से, तो अभी वो बाहर निकलेंगे नहीं, तो अभी आगे चलते हैं यहाँ से पूरा मैं न्यूटन चल रहा हूँ गाड़ी ऑफ में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट बॉय केविन। दोस्तों अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, आज की वीडियो इसे स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टा फॉलो कर लेना बेस्ट बॉय केविन, जो भी कर सकते हो कर लेना, दोनों नाम सेम है। तो वीडियो इसे स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ बेसिकली किसी को छोड़ने जाने, मेरे को यानी कि एक मेरा दोस्त है रिंकू भाई, जो कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम करते हैं शादियों में, और जो अभी मैं जा रहा हूँ वहीं इनको पहुँचाने के लिए, यानी कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर है, तो वहाँ पहुँचाऊँगा और थोड़ा बहुत वहाँ का माहौल भी दिखाऊँगा कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है शादी का माहौल। तो वीडियो इसे स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो बने रहिए।